चलो फिर चालू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी डेड गर्ल, और उसकी स्टोरी चालू होती है कॉलेज में। और कॉलेज में सब जने स्कूल और लाइब्रेरी में जो बच्चे हैं क्या पढ़ते रहते, और जो दो लड़के उसमें से वो स्कूल के बाहर रहते। अब हाई स्कूल के बाहर रहते मीन्स वो है ना बंक करते, बैक बेंचेस लड़के। उसका नाम रहता एक का एरिक, और दूसरा उसका फ्रेंड रहता बेस्ट फ्रेंड, उसका नाम रहता जेके। और यहाँ पे एक लड़की प्रेजेंट होती, उसका नाम था जोएन। जोएन जो है वो है एरिक का क्रश रहता, बचपन से वो है क्या उसको चाहता। लेकिन जो जोएन को जो है क्या ऑलरेडी बॉयफ्रेंड रहता, और जेके बोलता है कि उसको तूने गिव अप कर देना चाहिए वो लड़की, क्योंकि उसको ऑलरेडी उसका बॉयफ्रेंड है। तो ऐसा करके जेके उसको सजेशन देता फ्रेंड को उसके। बाकी आप दोनों जने बंक कर रहे तो कॉलेज स्कूल के बाहर भाग जाते हो और पीने को जगह देखते हो, तो उनको मैड हाउस मिलता। मैड हाउस मीन्स पागलखाना मिलता उनको। पागलखाने में जाते वो देखते, पागलखाने में धींगाना करते, पूरे बुक्स इधर फेंकते वो फेंकते, क्योंकि जो पागलखाना है बहुत सालों से बंद है, किसी को पता नहीं क्या रीज़न है उसका। अभी पागलखाने में धींगाना करना चालू कर देते भाई लोग अपने, धींगाना करते। और जेके जो है एरिक को चैलेंज करते कि बेसमेंट में जाके बता मुझे, और दोनों जने बेसमेंट में जाते। बेसमेंट में जाने के बाद में क्या देखते हो कि एक प्लास्टिक का बैग है, और वो बैग के अंदर जो है क्या एक लड़की दिखती, और वो बैग जो है क्या खुलते, और खुलने के बाद उनको दिखता है कि लड़की जो है क्या नंगी है। फिर थोड़ा थोड़ा वो जो है क्या बैग खुलते, और बैग खुलने के बाद में उनको पता चलता कि उसमें एक लड़की है और वो अभी भी ज़िंदा है। तो वो बैग खुल देते पूरी तरह और चेक करते क्या हुआ। उसमें जो लड़की रहती वो ज़िंदा रहती, लेकिन वो डेड गर्ल रहती, और ये दोनों जने फाइटिंग कर देते। एरिक क्या बोलता है कि पुलिस कंप्लेंट करेंगे करके, और लड़की को अपन बचाएंगे। लेकिन जो है कि जेके उसको मारता। जेके बोलता मैं इसी टाइम का था वेट कर रहा था, एक लड़की चाहिए थी मुझे जो मैं उसको सेक्स स्लेव बना सकूं। अब एरिक गुस्से में जाके गन शूट करता बाहर, क्योंकि उसका जो बेस्ट फ्रेंड है उसको मारता करके। अब एरिक और जेके में जो है क्या थोड़ी सी अनबन हो जाती। जेके बोलता मैं सॉरी बोलता, लेकिन मैं तेको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो लड़की को मैंने रात में बहुत मारा और उसका जो मुंह जो पूरा है क्या फोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो लड़की जो है कि अभी भी जिंदा है। अगर चाहे झूठ लगता हूँगा तो आके तुम चेक करना क्या हुआ, उसको समझाता एक्सप्लेन करता। लेकिन जो जेके है क्या उसको बताने के बाद में भी एरिक जो है क्या सुनता है। फिर जेके उसके पास की गन लेके वो लड़की को शूट करता, लेकिन वो लड़की तो भी है ना साथ लेती। ऐसा देख के जो एरिक है क्या शॉक हो जाता, और जेके भी डर जाता। लेकिन दोनों जने फिर भी क्या करते हो बताते नहीं किसी को, लड़की मिले करके उनको बेसमेंट के अंदर मैड हाउस। अब ये जो दोनों का सीक्रेट है ये सिर्फ दोनों को मालूम रहता। अब एक दिन कॉलेज में स्कूल में वो बैठे हुए उसको जोएन दिखती, जोएन उसके बॉयफ्रेंड के संगत जो उनके संगत में रहती। तो जो एरिक है जलेस फील करता और घर पे जाता और आराम करता, और उतने में जूस पीते पीते उसको डबल एक बार क्यूरियस होकर वो डबल जाता हॉस्पिटल में। और यहाँ पे हॉस्पिटल में जाके देखता कि जो जेके है वो इंटीमेट रिलेशनशिप रख रहा डेड गर्ल के संगत में। अब एरिक समझाने की कोशिश करता जेके को, लेकिन जेके कुछ सुनता नहीं। तो एरिक चिड़के वहाँ से साइकिल पे भाग जाता वहाँ से। अब क्या होता कि रात में वो कन्फर्म करता कि उसको जो है कि लड़की को मारना है। तो लड़की को मारने को जाता नीचे बेसमेंट में रात में, और गन लेके जाता हूँ। लेकिन लड़की हमला करने के बाद में जेके को जो है कि लड़की काट देती। और जो एरिक है वो बेसमेंट के अंदर ही छुपा वाला रहता, उसको पता नहीं रहता कि कहाँ से निकले। और वहाँ पे उसको एक छोटा प्लांट दिखता सेंटर के अंदर बेसमेंट में उगते हुए। वो चेक करता उसको, और उसको पता चलता कुछ तो भी अजीब हो रहा है हमें। अब जो लड़की है वो जिंदी है, इतने टॉर्चर करने के बाद में, इतने गोलियां मारने के बाद में भी जिंदा है। और यहाँ पे स्कूल में जो है क्या जोएन जो एरिक से बात करती, और वो दोनों में बातचीत चलती। और यहाँ पे क्या होता जेके और एरिक को जो है क्या जॉन उसका बॉयफ्रेंड आके मिलता, और जो वो जो डरा मार के उनके उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते वो डेट कल की। अब सब जने बेसमेंट में जाते, अगर चाहे वो बेसमेंट नहीं खोलते तो ये दोनों जने मारते उनको। तो ये जॉन रहता और उसका फ्रेंड रहता एसके, तो ये दोनों जने उनको झगड़े करते। अब जाके वो चेक करते
तो वो डेड गर्ल जिंदा रहती, लेकिन जब वो इंटीमेट रिलेशनशिप रखना चाहते हैं उससे, तो वो जो है क्या प्राइवेट पार्ट पे काट देती उसके फ्रेंड के, जॉन के। तो वो चिढ़ के बोलते कि पुलिस वाले को हम कॉल करेंगे और बताएंगे कि तुम लोगों ने उसके संग ऐसा किया करके। तो फिर वो लड़की जो है डेड गर्ल हंसती। अब यहाँ पे सब जने ना चिढ़ के, अब यहाँ तक ही मैं आपके लिए स्पॉइल करूँगा स्टोरी। अगर चाहे आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, जरूर करें हमारे चैनल को। और मूवी का नाम है डेड गर्ल। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टोरी स्टोरी।